नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे, जहां हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट और उससे जुड़े कॉन्सेप्ट्स की। अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं, हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कीप शेयरिंग आवर वीडियोस। हम सब ने IPO के बारे में सुना ही है। IPO मींस इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। जब एक कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम अपनी कैपिटल को एक्सपैंड करने के लिए अपने शेयर्स को पब्लिक को ऑफर करती है, तो उसे IPO कहा जाता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि IPO को UPI के थ्रू कैसे अप्लाई करें, लेकिन सबसे पहले ये जानना होगा व्हाट इज UPI। UPI इज यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। हमारी कंट्री में इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स करने का ये सबसे प्रेफर्ड मोड है। UPI को NPCI यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने डिजाइन किया है और इसे RBI रेगुलेट करता है। सेबी ने रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को जो इंटरमीडियरी के थ्रू IPO में अप्लाई करते हैं, उनके लिए UPI को मैंडेटरी कर दिया है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि IPO में कैसे अप्लाई करते हैं यूजिंग UPI। नाउ द फर्स्ट थिंग, डू यू हैव अ UPI ID? इफ नॉट, डोंट वरी, जस्ट फॉलो द प्रोसीजर इन दिस वीडियो एंड यू विल बी गुड टू गो। अपने फोन में एक UPI इनेबल्ड बैंक ऐप को डाउनलोड करें। यू कैन ऑल्सो यूज Paytm, गूगल पे और फोन पे फॉर दिस। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू जस्ट सिलेक्ट द प्रेफर्ड लैंग्वेज, add your mobile number and the bank in which you hold an account. Then create a unique UPI ID and link it to your bank account. Now for the next step, you have to create an MPIN. This is Mobile Banking Personalized Identification Number, which will authorize all your transactions done by your UPI ID. And that's it, you are done. Now let us understand how to apply for an IPO with the UPI. लॉग इन थ्रू योर ब्रोकर्स ऐप और वेबसाइट टू सब्सक्राइब टू एन ऑन गोइंग IPO। इसके बाद IPO सिलेक्ट कर लीजिए जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं, बट डोंट फॉरगेट टू रीड द रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस फॉर ऑल द डिटेल्स। जस्ट फिल इन द IPO एप्लीकेशन विद डिटेल्स लाइक योर UPI ID, इन्वेस्टर टाइप, नंबर ऑफ लॉट्स यू वॉन्ट टू टेक, देन फिल इन योर बिड रेट और टिक मार्क द कट ऑफ रेट इफ यू विश टू सब्सक्राइब एट इट। सबमिट बटन पर क्लिक करते ही UPI मैकेनिज्म शुरू हो जाता है और आपके ऐप पर अमाउंट को ब्लॉक करने की रिक्वेस्ट आती है, जिसे आप UPI पिन डालकर अप्रूव करेंगे। जैसे ही आपका पिन अप्रूव हो जाता है, आपके सारे के सारे अलॉटेड मनी को ब्लॉक कर दिया जाता है। नाउ देयर आर 3 कंडीशंस। इन द फर्स्ट कंडीशन, इफ यू गेट द फुल अलॉटमेंट, तो आपका सारा का सारा पैसा डेबिट हो जाता है और आपके सारे शेयर्स डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। Then in the second condition, if you achieve a partial allotment, then आपके partial shares को demat account में transfer किया जाता है और partial funds को unblock कर दिया जाता है। Then in the condition, if you achieve no allotment, तो आपके सारे funds को unblock कर दिया जाता है, but उन्हें transfer after expiry date or date of mandate पे किया जाता है। Now you understood how easy it is to use UPI for achieving your IPO goals. If you like this video, follow us and subscribe to our channel, like our video, share it with your friends, and happy investing to you. Thank you. For future updates and queries, visit social media handles of TradeSmart.